अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रहीमुल्ला है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहीमुल्ला टूटू। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फेसबुक क्रिएटिंग का बताया था, मतलब कि फेसबुक अकाउंट किस तरह बनता है मैंने आपको ये बताया था। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का बताया था, अभी जो है ना हम अकाउंट की सेटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएटिंग का बताया था, अभी जो है ना हम इस अकाउंट का सेटिंग करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक ऑन करना होगा, वाई आई डी जो है ना मैं वही आईडी ऑन कर रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बनाया था। आईडी ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अभी जो है ना आपसे ऐड का, और सबसे पहले मैं ऐड कवर पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद अपलोड ए फोटो, मतलब कि एक पिक्चर वगैरह मैं यहाँ पर सेट करता हूँ कि मैं तकरीबन मैंने सेलेक्ट किया। वैसे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पब्लिक डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ना हमारा जो है ना प्रोफाइल पिक्चर भी कंप्लीट हो गया, कवर पिक्चर भी कंप्लीट हो गया। अभी जो है ना मैं यहाँ पे ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वर्क जो है ना जो काम आप करते हो, मतलब कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना सेलेक्ट करो। अगर आप कोई और काम करते हो किसी कंपनी वगैरह में तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा जो है ना अभी जो है ना एजुकेशन, एजुकेशन में अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कॉलेज सेलेक्ट करें, अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो हाई स्कूल करें। मैं यहाँ पे ऐड कॉलेज पर क्लिक करता हूँ। ऐड कॉलेज पर क्लिक करने के बाद आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो इसका नाम जो है ना यहाँ पर मैंशन करो। मैं एक नाम जो है ना मैंने गोमन यूनिवर्सिटी डी खान, आप ग्रेजुएटेड है, आप यहाँ पे क्लिक का निशान पर क्लिक करें। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं करंट सिटी, मतलब आप जिस सिटी में रहते हो या वहाँ वो यहाँ पे वो मेंशन करें। मैं यहाँ पे डेरा इस्माइल खान सेलेक्ट करता हूँ, डेरा इस्माइल खान। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं होम टाउन, मतलब कि आपका घर जहाँ पे है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका घर जिस जो है ना गली में है वो यहाँ पे वो सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे कट्टा खेल सेलेक्ट करता हूँ, कट्टा खेल खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक कर लिया। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं फिर सेव पर क्लिक करता हूँ। अभी जो है ना मेरे डिटेल जो है ना वो मांग रहे हैं, वो मैंने पूरा कर दिया। अभी जो है ना यहाँ पे मैं हॉबी वगैरह को सेलेक्ट करता हूँ। आजकल जो कि फैशन है यहाँ पे बहुत से हॉबी वगैरह जो है ना यहाँ पे आ गए, लोग सारे के सारे सेलेक्ट करते हैं, फिर अकाउंट जो है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल नज़र आता है। अगर आप रियल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आप वही सेलेक्ट करो जो कि आप जो है ना, मैं यहाँ पे दो तीन सेलेक्ट करता हूँ, एक ये सेलेक्ट किया, एक ये सेलेक्ट किया, बस अभी मैं जो है ना दो सेलेक्ट किए। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना एडिट योर अबाउट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। अभी जो है ना मैं वो जो नंबर मैंने ऐड किया है उस नंबर को जो है ना मैं हाइड कर सकता हूँ। नंबर हाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अकाउंट जो है ना
फेक बनाए तो कोई भी जो है ना आप का नंबर नहीं देख सकता है। अगर आप यहाँ पे जो है ना ओनली मी पर कर ले, मैं यहाँ पे तकरीबन मेरा तो ऑलरेडी ओनली मी पर है। अभी जो है ना ये सिटी वगैरह मुझसे कह रहा है कि आप इस नंबर को वेरीफाई करें, मैं इस नंबर को वेरीफाई करता हूँ। ओ कोड वगैरह मांगेगा, नेट का मसला है, एक मिनट सब्र करना होगा। फ़ोन नंबर कन्फर्म, अभी जो है ना मेरा नंबर कन्फर्म हो गया। अभी मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अभी तकरीबन मेरा अकाउंट बन गया, आप देख सकते हैं। एक स्टेप तो मुकम्मल। अगर आप यहाँ पे जो है ना आईडी के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आपको एड रिपब्लिक पर क्लिक करना होगा। एड रिपब्लिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बायो आपको नज़र आता है, जो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे लोग जो है ना पोइट्री वगैरह लिखते हैं। मैं यहाँ पे अल्लाह इज़ द ग्रेट टेस्ट, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अभी जो है ना ये हो गया, आपको ये नज़र आता है ये लाइन।